नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। आगे बढ़े इससे पहले कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों अभी जो बिटकॉइन है उसका जो रेट है वो काफ़ी डाउन जा चुका है। आज 5800 डॉलर्स टच कर चुका है, 5800 डॉलर्स। तो इसका जो रेट है वो डाउन क्यों जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले इसका रेट 20,000 डॉलर जा चुका था और रिसेंटली अभी जून के महीने में इसका जो रेट है वो काफ़ी डाउन जा चुका है और आने वाले दिनों में शायद 5200 या 5400 के आसपास ये टच करे। तो इसके जो 6 मेन रीज़न है वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो डाउन क्यों जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक एक्सचेंज है जो कि हैक हो गई है जिसका नाम है बिटथम एक्सचेंज, जो कि कोरियन एक्सचेंज है। उसमें ऑलमोस्ट 31 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो चुकी है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है बिटथम एक्सचेंज के ऊपर। तो उस एक्सचेंज में काफ़ी बीटीसी थे, 31 मिलियन डॉलर की जो क्रिप्टो करेंसी वर्थ है वो थी और वो चोरी हो चुकी है। तो उसके कारण जो बिटकॉइन का जो रेट है वो डंप हो चुका है काफ़ी हद तक, 11 से 15%, और इससे पहले इसका रेट चल रहा था 8000 डॉलर के आसपास। ठीक है, तो बिटथम का एक्सचेंज का हैक होना भी बिटकॉइन का जो प्राइस है उसको डाउन होने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कहाँ से हैक हुआ, बिटकॉइन कहाँ चोरी हुए हैं उसके ऊपर जो भी है सर्च चल रही है अभी तक। ठीक है, इसके बाद बात आती है अपनी कुछ ईओएस के बारे में। ईओएस के बारे में आपने सुना होगा कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म ईओएस ने अभी एक रोड मैप निकाला था, तो जिसके बाद क्या है कि 2 वीक का जो इनका शेड्यूल था टोटल उसका, तो और ईओएस ने 1 वीक पहले इसके जो 21 लोगों का जो अकाउंट था वो 21 में से 7 का जो अकाउंट था वो फ्रोज किया गया है ईओएस के कारण, और ईओएस में भी काफ़ी मात्रा में बीटीसी इन्वेस्टेड हो चुका था और जिसमें से जो 7 अकाउंट पाए गए हैं उन्होंने ईओएस का जो सिस्टम है वो हैक करने में उनका हाथ माना जा रहा था। तो इसके पीछे भी इसका कारण है काफ़ी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया करके इसको ध्यान से सुनिए। इंडियन क्रिप्टो करेंसी का जो प्लेटफॉर्म है वो अभी कन्फ्यूजन में चल रहा है। आरबीआई ने अभी बोला हुआ है कि कोई भी बैंक 3 महीने के अंदर क्रिप्टो करेंसी से डील ना करेगा, अभी 2 वीक बाकी है। तो सब एक्सचेंज को रेगुलेशन जारी कर रखा है, तो उसके कारण भी जो बिटकॉइन का प्राइस है वो काफ़ी डाउन है। इंडिया में अभी आने वाले टाइम में संभावना है कि बिटकॉइन रेगुलेट हो जाए, तो इसका डाउन होने के पीछे इंडियन मार्केट का भी काफ़ी बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। उसके बाद साउथ कोरिया ने 10% फ्लैट टैक्स लगाने का वादा किया है कि वो क्रिप्टो करेंसी की जो अर्निंग है उसके ऊपर 10% का जो टैक्स लगाएंगे, और जो भी आपको ट्रेडिंग करनी हो आप कीजिए लेकिन टैक्स आपको भरना होगा। तो टैक्स का लगाना भी क्रिप्टो करेंसी को डाउन होने के पीछे इसका जो रेट है बहुत बड़ा हाथ है इसका, कोरिया का भी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्रिप्टो करेंसी नैनो जस्ट लाइक एंड्रॉयड मोबाइल वॉलेट है, और इसमें इसके कारण जो इमिडिएटली जो फंड है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जो नैनो वॉलेट है उसकी जो सिक्योरिटी है वो डाउन हो गई थी एंड्रॉयड मोबाइल वॉलेट के माध्यम से जो इन्होंने एप्लीकेशन बनाई थी, तो इसका सिक्योरिटी लैप्स होना भी बीटीसी का डंपिंग होने के पीछे कारण है। और उसके बाद बिटफ्लायर्स के बारे में आपने सुना होगा कि बिटफ्लायर्स ने अनाउंस किया है कि जितने भी जो जापान में फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी है उनको इसने एडवाइजरी जारी की है कि आने वाले टाइम में ये पूरे जो जापान है उसमें जो भी डिजिटल एसेट्स की जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें काम करेंगे और जो भी रिस्क है उसको दूर करेंगे। तो इसका हाथ पीछे खींच लेना भी बिटकॉइन डंपिंग के पीछे बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और अभी एक्सपेक्टेशन है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 5200 के आसपास टच कर सकता है या अभी यहाँ से यह ऊपर जा सकता है गाइस। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी गाइस। और इथेरियम का को फाउंडर है, इथेरियम में भी काफ़ी कुछ चल रहा है मार्केट में, इथेरियम का प्राइस भी काफ़ी डंप हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।